हम बात कर रहे हैं फीमेल इनफर्टिलिटी को लेकर, और अगर हम वहीं बात करें मेल इनफर्टिलिटी को लेकर, तो इन दोनों के बीच में जो हम खामियां आजकल का देख रहे हैं, हम लाइफस्टाइल को सबसे ज्यादा मैच्योर देखते हैं इसके अंदर, तो दिनचर्या में क्या बदलाव लेके आया जाए ताकि जो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सके। पहली बात यह है कि मेल के अंदर जो मर्दों के अंदर प्रॉब्लम है, वो जॉब करते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद कार बंगला लेने के बाद शादी करने की कोशिश करते हैं, जो कि शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, है ना। शादी एक ऐसी, मैरिज एक ऐसा वक्त है, अगर नौजवान है, उसको स्पर्म निकल रहा है, सेमेन निकल रहा है, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसके हार्मोन्स हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि उसकी शादी करा दी जाए, क्योंकि माँ बाप के ऊपर जोर होता है कि शादी करा दी जाए, क्योंकि बाद में जब ये माल दौलत कमाने के बाद, गाड़ी बंगला लेने के बाद वो नामर्द हो जाता है, उसके बाद वो अगर करना भी चाहता है वाइफ से तो कुछ उसको फायदा नहीं होता। बहुत सारे डिवोर्स के केसेस हमारे सामने आते हैं जो मर्दानी की कमजोरी की वजह से या जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से, क्योंकि लेडीज भी इसलिए शादी करते हैं कि वो जो है आपके पास, मतलब जो है सेक्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की लाइफ में है, जो बोलते नहीं मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिवोर्स होने का प्रॉब्लम यही है कि ये ओपनली जो है स्टार्टिंग में तो नहीं बोलते, बट बाद में पता चलता है कि ये मर्द है जिसकी उम्र 38, 40, 42 हो गई, ये बहुत वीक है, फिर वापस वो औरत अपने घर पे आ जाती है, तो इश्यूज होते हैं। तो मैं औरतों को ये कहूंगा कि जो है आप भी शादी के वक्त जो टाइम है, जो है 18 इयर्स टू 22 इयर्स जो है, जो बेस्ट एज है, इस पे अगर शादी करेंगे आपको ना पीसीओडी होगा, ना यूट्रिन फाइब्रोइड फाइब्रोइडिटिस, कुछ नहीं होगा, इसमें औलाद हो जाएगी ठीक से। मगर जब एज बढ़ जाती है आपका फ्यूचर बनाने के बाद, तब बाद में पता चलता है कि आपको शादी भी नहीं हो पा रही, लड़के भी आपको ठीक से नहीं मिल रहे हैं, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, और उसमें कई बीमारियां भी आ जाती हैं। तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम में है तो आप रिपोर्ट भेजें, मैं आपको सलाह दूंगा, बट जनरल मैं सलाह दूंगा कि शादी सही वक्त पे कर लें जब जवान होते हैं।